क्रिकेट स्टेडियम से खुशामदीद कहता हूं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान तीसरा T20 जो है वो खेला जा रहा है। पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 182 रन का हदफ दे दिया है। आज हमने देखा कि यहां शारजा ग्राउंड में भी पाकिस्तान ने अच्छा खासा स्कोर बनाया है। पहले दो मैचेस में दोनों मैच लो स्कोरिंग हुए, लेकिन पाकिस्तान उसका दिफा नहीं कर पाया। आज देखना है कि क्या पाकिस्तान 182 रन का दिफा करने में कामयाब होगा और पाकिस्तान 2-1 से सीरीज जो है वो अफगानिस्तान को देगा या 3-0 से देगा। इसी पे बात करेंगे। स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट औरंगजेब हमारे साथ मौजूद है और कुछ और पाकिस्तानी स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है जो पाकिस्तान से आए हैं। औरंगजेब, क्या लगता है पहले दो मैचेस को और आज के मैच को कंपेयर करें, 182, 92 और 130 और आज 182। देखिए, आज पिच जो है वो थोड़ा बेहतर लग रहा है। 182 मेरे ख्याल में इनफ है पाकिस्तान को इसको डिफेंड करना चाहिए। हालांकि पाकिस्तान के पास जो फास्ट बॉलिंग अटैक है वो थोड़ा सा नया है, लेकिन स्पिन बॉलिंग में अगर जाएं आप शादाब और इमाद वसीम में, तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान को इजीली ये डिफेंड करना चाहिए। इजीली आज आपने देखा दो चेंजेस की गई है। कल हमने देखा था कि आजम खान को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया था, आज आजम खान को बिठा दिया गया। आजम खान की जगह इफ्तिखार अहमद आए हैं, तो क्या लगता है इफ्तिखार अहमद की वाकई इस टीम में जगह बनती है? आज खेले हैं, थोड़े उनको सेट होने में टाइम लगता है, लेकिन उन्होंने अपने शॉट से अपने आप को मनवाया है। देखें, ये बड़ा अच्छा डिसीजन था, क्योंकि आजम खान ना बैटिंग में नहीं बल्कि कीपिंग में भी बड़ा लैग कर रहे थे। आपने देखा कि बड़ा इजी कैच उन्होंने ड्रॉप किया, फिर रन्स भी उन्होंने दिए, तो आखिरी जमान खान की आखिरी बॉल पे भी वो सिंगल नंबर था, तो शायद मैच का नतीजा कुछ मुख्तलिफ होता। तो इफ्तिखार की जो बात कर रहे हैं, बिल्कुल इफ्तिखार को मैं कहता हूं कि पहले मैच से इफ्तिखार ये शान मसूद को होना चाहिए था, क्योंकि आपका पूरी यंग बैटिंग है, बैटिंग लाइनअप है, तो यंग के साथ एक इफ्तिखार जैसा बैट्समैन होना चाहिए जो ग्रीस के अंदर आपको उसका एक्सपीरियंस को यूटिलाइज करके टाइम, ये जो यंगस्टर है टाइम ले और इनस को बिल्ड करें। आज देखें इफ्तिखार की छोटी सी इनस थी 35-40 रन की, लेकिन उनके साथ पार्टनरशिप लगी छोटी सी इमाद की, कुछ शादाब की और एक बड़ा टोटो खड़ा गया, और ऊपर से आज साइम अयूब ने भी एक अच्छी इनस खेली। साइम अयूब ने इसे खेली। रजा भाई, आप क्या कहेंगे इस यंग टीम के साथ आज जो 182 का हदफ दिया है, डिफेंड कर पाएंगी पाकिस्तानी बॉलर्स? ये मुझे यकीन है कि डिफेंड कर पाएगी, लेकिन कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने उनका मोराल देखे कितना बुलंद है कि उन्होंने पहले दो मैचेस में बाद में बैटिंग करके जीते हैं और आज उन्होंने टॉस जीत के पाकिस्तान को बैटिंग करने की दावत दी है, तो उन्हें पता है कि वो उस तरीके से चेज कर जाए, क्योंकि आज हमें लग रहा है कि विकेट भी अच्छी है और अच्छे तरीके से खेल रहे हैं। और जैसा कि औरंगजेब भाई ने कहा कि मैं समझता हूँ कि शान मसूद के साथ ज्यादती हो रही है। शान मसूद को अगर टीम के साथ देखें, कितने प्लेयर ऐसे थे, 3-4 ने तो कम बैक किया था, दो प्लेयर ऐसे थे जो ज्यादा सीनियर थे, उनमें शान मसूद भी सीनियर है, उनमें इफ्तिखार भी सीनियर। अभी तक जो स्कोर किए हैं सवाए आज साइम अयूब के, बाकी अभी तक सीनियर खिलाड़ियों ने ही किया है, सीनियर खिलाड़ियों ने किया है। और अगर बात की औरंगजेब भाई पाकिस्तान टीम की कैप्टनसी की, पहले भी बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया बाबर आजम को जब वो कप्तान थे, अब शादाब को मौका मिला सोलो, वो अपनी टीम को लीड करते हुए सीरीज में पहुंचे। दो मैचेस से हम सीरीज तो जो है वो 2-0 से हार गए, लेकिन क्या लगता है शादाब की कप्तानी पे सवाल उठ गए हैं? लेकिन शादाब की कप्तानी पे थोड़ा सा डाउट तो मुझे इसलिए है कि आप PSL को उठा लें लास्ट मैच में, जहाँ 6 दफा टीम पहले बैटिंग करके मैच जीती थी, वहां शादाब ने जो है वो बाद में बैटिंग की, और अब अफगानिस्तान के खिलाफ अगर हम देख लें तो सारे मैचेस जो हमने चेस करके जीते हैं, तो उन्होंने जो है ना बैटिंग करके, तो पहले उन्होंने टॉस जीत के पहले बैटिंग करने का फैसला किया, तो मेरे ख्याल में ये यंग टीम थी। शहजाद ने कल भी, जैसे शहजाद ने कहा कि मेरी ये ड्यूटी लगाई गई थी एक तरह की कि आप यंग टैलेंट को जो है, तो कल ही उन्होंने ये वाजिया कर दिया था हम मैच हारे या जीते इसी टीम के साथ जाएंगे, गो के आज उन्होंने दो चेंजेस कर ली, तो मेरे ख्याल में ज्यादा कोई क्रिटिस बनता नहीं है शहजाद पे, क्योंकि जिस तरह की टीम थी उसी तरह की टीम ने परफॉर्म की। बॉलिंग हमने देखी कल, जान मारी पाकिस्तानी बॉलर्स ने, नसीम शाह को थोड़ी मार पड़ी, नसीम शाह के छक्कों की वजह से पाकिस्तान हारा भी, लेकिन आपको लगता है नसीम शाह को आज बिठाना चाहिए था मोहम्मद वसीम जूनियर को उनकी जगह? जी बहुत जरूरी था आज का ये मैच नहीं बल्कि PSL देख लें, फिर पीछे पाकिस्तान के मैचेस देख लें, नसीम शाह का फोकस जो है वो ज्यादा क्रिकेट पर रहा नहीं है, एक तो वो कमर्शियल में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो गए, दूसरा सोशल मीडिया पर फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा हो गई, तो मेरे ख्याल में जमीन से पाऊँ थोड़े से नसीम शाह के जो है वो उठ गए थे, क्योंकि आप पहले मैच देखते थे, आप अगर आप देखें अफान बॉलिंग जो दो उनके पहले फास्ट बॉलर ने, उन्होंने दो अपने 4 ओवर में, एक ने 19 रन दिए, एक ने सिर्फ 13 रन दिए और 5 विकेटें उन्होंने ली, और नसीम शाह अकेले ने 4 ओवर में 27 रन दे दिए और दूसरे मैच में 4 ओवर में 39 रन दे दिए, तो मेरे ख्याल में ये नसीम शाह को बैठाने का फैसला भी दुरुस्त था। अब्दुलरहमान रजा भाई, क्या लगता है आपको बैटिंग पे, तो हम बात करते हैं कि यंगस्टर्स को मौका, कुछ यंग बॉलर्स को भी हमने मौका दिया, दो यंग बॉलर्स ने डेब्यू किया है, एहसानुल्लाह और जमान खान, इन दोनों के बारे में आपकी क्या राय है? जमान खान एक बहुत अच्छा डेप्थ में करने वाला ओवर करने वाला बॉलर है, कल हमने देखा भी, इन दोनों के बारे में क्या कहेंगे?
देखिए मैं समझता हूँ कि सबसे पहली बात यह है कि आप किसी भी प्लेयर को एक सीजन के अंदर अगर APSL में उन्होंने 2-3 मैचेस में अच्छी कारकर्दगी दिखा दी, उसका मतलब ये नहीं है कि आप उसे फटाफट कोमी टीम में लेके, ऐसे बहुत सारे प्लेयर हैं जो लगातार अपनी कारकर्दगी दिखा रहे हैं। आप देखें कि उमर अकमल का क्या कसूर है, अगर उमर अकमल को मौका, वो तजर्बाकार बैट्समैन है, उसकी कारकर्दगी भी अच्छी थी, वैसे बहुत सारे बैट्समैन उनको मौका दिया जा सकता था। ये शारजा है, ये कोई ऑस्ट्रेलिया नहीं है, जिस तरीके से आप 4 फास्ट बॉलर साथ लेके आए हैं, स्पिन बॉलिंग देखिए, अफगानिस्तान ने हमेशा पाकिस्तान को घुटने टेकने पे मजबूर किया स्पिन बॉलिंग के बल पर, और उनकी स्पिन बॉलिंग बहुत अच्छी है, खास करके आप राशिद खान को देखें, बाकी उनके इवन फास्ट बॉलर ने भी बहुत अच्छी की है। नसीम शाह की जहां तक इन्होंने बात की है कि मैं समझता हूँ कि वाकई नसीम शाह जो है ना थोड़ा सा उनको ज़रूरी था निकालना, और वसीम जूनियर का मौका दिया उन्होंने, अच्छी बात है, लेकिन मैं समझता हूँ कि 4 फास्ट बॉलर के साथ लेके आने की जरूरत थी। शादाब की जहाँ तक आप बात कर रहे हैं, शादाब की पहले दिन से लेकर दूसरे हमने देखा है कि उसकी कप्तानी में उन्हें भी अचानक लॉटरी मिली, कहां वो टीम में काफी अरसे से खेल ही रहे थे, फिर इंजर्ड हो गए थे, पाकिस्तान के अंदर 2 सीरीज इंग्लैंड की और न्यूजीलैंड के साथ वो खेल नहीं पाए, उसके बाद PSL में और सीधे कप्तान बन के शारजा में आ गए, तो एकदम में वो उस तरीके से नहीं हैंडल कर पाए। बिल्कुल सही कहा, और ये बड़ी अच्छी बात ये की है रजा भाई ने, कल मिकी आर्थर का भी ट्वीट हमने देखा कि जो नए लड़के हैं, यंग लड़के हैं, इनको थोड़ा सा टाइम देना चाहिए, थोड़ा और ग्रूम होने के लिए, फ्रेंचाइज क्रिकेट और खेले, इंटरनेशनल बड़े प्लेयर्स के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करें, वहां पे टाइम स्पेंड करें, और ताकि इनका जो एक्सपीरियंस है और गेन हो, उसके बाद जब ये ग्रूम हो जाए तब इनको इंटरनेशनल मैचेस में उतारना चाहिए। इंटरनेशनल मैचेस का और फ्रेंचाइज क्रिकेट का बहुत फर्क होता है दोनों से। एक आखिरी सवाल जो है मैं करना चाहूंगा, ये जो तजर्बा किया गया है, खासकर ये प्योरली ये जो तजर्बा हुआ है नई टीम नए लड़कों को खिलाने का, ये तजर्बा मैनेजमेंट की तरफ से किया गया है, और कहा यह जा रहा है कि ये सोलो फैसला था मिस्टर नजम सेठी का, तो क्या लगता है ये फैसला दुरुस्त था, साबित हुआ या नहीं? देखें, इससे पहले भी इस तरह के काफी सारे तजुर्बा किए गए, अगर मैं पीछे माजी में जाऊं तो मूसा खान 17 साल की उम्र में 3 फॉर्मेट में डेब्यू कर चुके थे। आपने साद अली को देखा, इसी UAE की सरजमीन पे 3 वनडे उनको खिलाए, उनको 5वें या 6ठे नंबर पे मौका दिया गया जबकि वो टॉप ऑर्डर के बैट्समैन है। फिर आप एक अमाद आजम होते थे, बहुत अच्छे ऑलराउंडर थे, उनको आप 17 साल की उम्र में लेके आए, ये प्लेयर के साथ मैं समझता हूँ कि ज्यादती होती है, जब आप बहुत अर्ली लेके आ जाते हैं फिर उनकी परफॉर्मेंस ऐसे रहती है जैसे आपने देख लिया। अब अगर आप साइम अयूब, मोहम्मद हारिस या तैयब तायर को उठा के बाहर फेंकते हैं तो मेरे ख्याल में ये उनके साथ ज्यादा होगी। मैं आपके पॉइंट से एग्री करता हूं कि पहले इनको डोमेस्टिक में अच्छी खासी मार खाने दें, जब ये अच्छे खासे तैयार हो जाएं डोमेस्टिक में, एटलीस्ट 4 डे खेलें, APSL नहीं है और भी पाकिस्तान में डोमेस्टिक है, नेशनल T20 है, नेशनल पाकिस्तान कप है, वो खेलें वहां पे, जब ये अच्छी तरह से तैयार हो जाएं, मेंटली तौर पे स्ट्रांग हो जाए। कल आपने देखा एहसानुल्लाह जब फील्डिंग कर रहे थे बाउंड्री पे तो वो बड़ा इजी कैच हो सकता था, एटलीस्ट अगर कैच ना होता तो वो सिंगल तक महदूद रह सकता था, और फिर आखिरी बॉल पर जब मैच जाता है तो फिर किधर भी चला जा सकता है, तो इसलिए इनको मेंटली तौर पर पूरा तैयार होना चाहिए, बॉलिंग बैटिंग फील्डिंग पे पूरा फोकस जब हो तब इनको टीम में लेके आना चाहिए। अब टीम में आपको क्या लगता है, ये तजर्बा सही हुआ है या वाकई ही ये तजर्बा नाकाम हो गया? नहीं देखें, बिल्कुल तजर्बा किसी हाल में भी कामयाब नहीं हुआ, कोई एक प्लेयर भी आज तीसरे मैच में, अगर देखें अगर 11 मैच होते हैं ना तो 11 मैच में हर खिलाड़ी की जिम्मेदारी है कि वो कम से कम एक मैच अपनी टीम को जितवाए, तो अगर लगातार उनको आप मौके देते रहेंगे, लेकिन अच्छी बात थी उन्होंने कोशिश की यहाँ पे, लेकिन मैं समझता हूँ कि सीनियर खिलाड़ियों के साथ उन्होंने ज्यादती की है, बाबर आजम, रिजवान जो किसी सूरत में आराम नहीं करना चाहते थे, शाहीन अफरीदी इस टाइम पे दोबारा उन्होंने PSL में कम बैक किया था इंजर होने के बाद, फखर जमान थे, एक चीज जो है यहाँ पे रहने वाले जो पाकिस्तानी हैं खास करके, आज देखें स्टेडियम पूरा वीरान है, स्टेडियम में क्यों नहीं आए लोग, शारजा क्रिकेट स्टेडियम वो इर्द गिर्द से पैदल लोग चल के आ जाते हैं, ये इंडस्ट्रियल एरिया आगे पीछे, यहाँ पे इतनी दुनिया है, अफगानी है, पाकिस्तानी है, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तानी यहाँ पे क्यों नहीं आए, क्योंकि उनके दिल टूटे हैं, उनके अरमान टूटे हैं, वो ठीक है आप उन्हें मौका दे रहे हैं, ये एक इंटरनेशनल जगह पे आपके मैच हो रहे हैं, पूरी दुनिया यहाँ पे देख रही है, और पूरी दुनिया की हेडलाइन जो आज लगी थी पूरी दुनिया में वो ये लगी थी कि अफगानिस्तान ने पहली दफा पाकिस्तान से सीरीज जीत ली है, और ये अफगानिस्तान के लिए बहुत अच्छा है, उनको उनके कॉन्फिडेंस में इजाफा हुआ है, आज उन्होंने पाकिस्तान को हराया, कल वो इंडिया को भी हराएंगे, ऑस्ट्रेलिया को भी हराएंगे, बाकी टीमों के खिलाफ भी हराएंगे। बहुत शुक्रिया अब्दुलरहमान रजा और औरंगजेब हमारे साथ मौजूद थे। मैच शुरू हो चुका है, बिल्कुल ये बातें हमने आप दोनों की बातें सुनी, और ये बिल्कुल 100% सही है कि ये तजर्बा बिल्कुल नाकाम हुआ है, जो सोलो फैसला किया गया है
मिस्टर चेयरमैन मिस्टर नजम सिटी की जानिब से, जिसने कप्तान को फोन करके पूछना मुनासिब नहीं समझा, जितने मोहम्मद रिजवान को पूछना मुनासिब नहीं समझा कि क्या आप आराम करना चाहते हैं या नहीं, बल्कि फैसला थोप दिया गया उनके ऊपर कि भाई आप आराम करें, आपको खुटे लाइन लगाया जा रहा है और आप आराम करें, मैं नई टीम बना के नई टीम को भेज रहा हूं अफगानिस्तान के साथ। तो ये तजर्बा वाकई ही नाकाम हुआ है और इस तरह के तजर्बों से जो है वो गुरेज करना चाहिए। बहुत से सीनियर एक्सपर्ट्स यही कह रहे हैं कि इस तरह एक फ्रेंचाइज क्रिकेट से कुछ मैचेस खेले हुए प्लेयर्स को उठा के फॉरन नेशनल नहीं खिला देना चाहिए, उनको ग्रूम होना चाहिए, उनको ग्रूम होने के लिए टाइम चाहिए, उनको जो है वो बड़े प्लेयर्स के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करना चाहिए ताकि और एक्सपीरियंस गेन करें और जो ग्रूम हो तब उनको इंटरनेशनल खिलाना चाहिए। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत है और आप मैच एंजॉय करें, अल्लाह हाफिज। Yeah, yeah, that's good, yeah.